आईडी होगी आईआरसीटीसी की। हम लोग क्या करते हैं, हमारा आईआरसीटीसी डायरेक्ट आईएफ है गवर्नमेंट का, तो उसमें क्या होता है एक टिकट बुकिंग करने पे हम लोग 50 रुपए कमीशन देते हैं एक टिकट बुकिंग करने पे, वो कमीशन आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। यदि सबको बैतूल से भोपाल जाना है आप अपनी टिकट बुकिंग करते हो सीएससी के माध्यम से, तो उसमें क्या रहेगा 100 रुपए की टिकट जनरेट होती है तो आपके वॉलेट से मात्र 70 रुपीज ही कटेगा इंस्टेंटली, 30 रुपीज से आपको तुरंत कमीशन मिल जाएगा, 20 रुपीज तो आपको बाद में आता है जब चीज कंफर्म हो जाती है कस्टमर ट्रेवल कर लेता उसके बाद, ठीक है। वैसे अगर 40-50 रुपए से आपको कमीशन देते हैं एक टिकट बुकिंग करने पर, और आजकल क्या है हम लोग जैसे प्राइवेट टिकट आईडी से बुकिंग करते हैं तो आपने देखा होगा, आपको शायद पता नहीं होगा पर मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ जैसे क्या है पूरे जिले भर में हमारे पास में 2200 लोग का मेन पावर जो हमारे इंटर में काम करता है, तो उसमें कुछ लोग बहुत समझदार टाइप के भी होते हैं जो क्या करते हैं सीएससी से बुकिंग ना करके अपनी पर्सनल आईडी से बुकिंग कर लेते हैं, तो उनके यहाँ पे क्या होता है आरएफपी के छापे पड़ने लगे। आप जब अपने पर्सनल आईडी से 5 से 7 बुकिंग लगाते हो तो ये डेटा आरएफपी के पास जाता है, रेलवे मिनिस्ट्री के पास जाता है, वो आरएफपी को देती है देखो ये जो आदमी है ये बहुत सारी बुकिंग लगा रहा है, तो इसका क्या है सेंटर ले कर रहा है या ब्लैक मार्केट कर रहा है। कई बार होता है कि लोग पहले से टिकट बुकिंग कर लेते हैं कस्टमर को और मतलब अधिक दाम में बेचते 200-400 रुपए ले लेते हैं, तो इस चीज को रोकने के लिए आरपीएफ को रेलवे मिनिस्ट्री ने इंक्लाइन किया है कि आप देखो कि क्या कालाबाजारी हो रही है। यदि आप सीएससी सेंटर के थ्रू भी टिकट बुकिंग करते हो एक दिन में आपने 10 टिकट भी बुक करी तो आपको कोई इशू नहीं, क्योंकि आपके पास में रेलवे और मिनिस्ट्री का सर्टिफिकेट मिलेगा आईएफएससी तरफ से कि आप अथॉराइज्ड पर्सन हो इस चीज को लेकर, पर वही जब पर्सनल आईडी से बुकिंग करते हो टिकट तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई आरपीएफ के माध्यम से कर दी जाएगी और आपको पैसा भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सभी से निवेदन ये है कि जितने भी लोग पैसे आपको अवेलेबल है यहाँ से जब आपको बता दें कि आईएफएससी से पंजीयन कहाँ चुका है आप पंजीयन कर लेना, आईडी पासवर्ड मेरे ख्याल से 24 घंटे अंदर जनरेट हो जाती है और आपको 100 लाइक 60 रुपये आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं टेंडर फिर उसमें